साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। इस बार हिम तेंदुआ दिवस से पहले सूबे के वन विभाग से एक उत्साहवर्धक खबर सामने आई है। राज्य में हिम तेंदुओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड वन विभाग और भारतीय वन्य संस्थान ने साल 2021 में जुलाई से लेकर गणना की थी। गणना के लिए हिमालय क्षेत्र की गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव विहार बिहार केदारनाथ, वन्यजीव विहार गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान सहित कई इलाकों का कैमरा ट्रैप लगा करके हिम तेंदुओं की जानकारी इकट्ठा की गई है, जिसके आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या बढ़कर अब 121 तक पहुंच चुकी है। इससे पहले 2016 में गणना हुई थी और तब 86 इनकी संख्या थी। बता दें कि हिम तेंदुआ उच्च हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले कैंट फैमिली का मेंबर है। कैंट फैमिली में ये एकमात्र प्रजाति है जो दहाड़ नहीं सकती है, लेकिन घुर्रा सकती है। इनकी खाल पर सलेटी और सफेद का फर होता है, जिन पर गहरे लाल रंग के धब्बे होते हैं। इनका फर बहुत लंबा और मोटा होता है, जो इन्हें ऊंचे ठंडे स्थानों पर भीषण सर्दी से बचाकर रखता है। बर्फ में आसानी से चल सकें, इसके लिए इनके पैर भी बड़े और ऊनी के होते हैं। हिम तेंदुआ आमतौर पर रात को सक्रिय होते हैं। हिम तेंदुओं को IUCN की लिस्ट में भी रखा गया है।